राज्य गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तो कपाल कैसे चुने, आज का विषय कपाल का प्रयोग क्या होता है तंत्र में और अघोर में। 90% लोग जो कपाल लेकर घूमते हैं उनको कपाल का प्रयोग ही नहीं पता होता है, लेकिन कपाल लेके घूम रहे हैं क्योंकि सिंबोलिज्म है। आप अगर अपने घर में मंदिर बनाते हैं उसमें घंटी रखते हैं तो घंटी क्यों रखते हैं ये तो आपको पता नहीं है, घंटी बजाते क्यों है वो आपको पता नहीं है, लेकिन घंटी बजाना चाहिए इसलिए बजा रहे हैं। वैसे ही तंत्र और अघोर में सिंबल माना जाता है कि जिसके पास कपाल है, कपाल के ऊपर 5 किलो सिंदूर लपेट के रखा है और उसका पूजा कर रहा है तो वो एक अच्छा तांत्रिक या अघोरी होता है। सर्वप्रथम अगर आप सांसारिक हैं और आप आपका परिवार है तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ एक अंश है जो कि आपके काम का होगा। क्योंकि जो सांसारिक होते हैं उनको कपाल नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और घर में तो कतई कपाल नहीं रखते हैं। कपाल का बहुत ही सिंपल कुछ साधना होता है और बहुत ही बेकार साधना होता है शुरुआती तौर पे, जो जनरल में तांत्रिक और अघड़ करते हैं ये साधनाएं, जिसको एक अच्छा जीवन चाहिए उनको नहीं करनी चाहिए। आपको शक्ति का एक्सपीरियंस करना है तो और भी अच्छी साधनाएं हैं उसको किया करो, ठीक है। अगर कपाल साधना करनी है, आप अपने देखा होगा बहुत लोग कपाल में शराब पीते हैं, कपाल में खाना खाते हैं, तो उसको देख करके, अभी क्या है कि मैंने देखा तारापीठ के श्मशान में कपाल मिलता है जला हुआ, हरिद्वार में कपाल मिलता है और लोग इसको खरीद करके और बिना जाने बिना समझे इसी में मदिरा पान कर रहे हैं। देखो कपाल जो होता है ना वो डिग्री ऑफ सिद्धि बताता है, मतलब जैसे आप अपने मैट्रिकुलेशन कर लिया है, उसके बाद आपने इंटर किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, तो आपके हाथ में कौन सा पात्र है वो ये बताता है कि आप किस स्टेज में हो अभी साधना के, मतलब अवधूत होने के किस स्टेज में हो। कपाल बिल्कुल अंतिम स्टेज होता है, ठीक है। अभी फैशन में लोग कपाल यूज करते हैं तो सबसे पहला जो, जब आपको कोई पात्र ना मिला हो, ठीक है, पहले कपाल, उस कपाल की बात कर रहा हूँ जो कि भोजन में प्रयोग होता है या मदिरा में प्रयोग होता है, तो जो सबसे पहला कपाल आपको यूज करना चाहिए वो चांदी का बर्तन हो, ठीक है, छोटा सा, और उसमें आप जो मुद्रा है उस मुद्रा में कारण ग्रहण करिएगा, ठीक है। इसके बाद जब आपको सबसे पहले कपाल दिया जाएगा तो वो जो नारियल होता है, नारियल के अंदर का जो खोखला होता है उसका आधा टुकड़ा दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेज में जहरीली नारियल का खप्पर आता है, ठीक है, और फाइनल स्टेज होता है जो मुंड का खप्पर होता है, जो कि आपको मतलब अगर कोई लाश को फेंक दिया या फिर अगर पानी में प्रवाहित कर दिया तो उसमें ब्रेन का टुकड़ा होता है, उसके साथ उस कपाल को आपको रखना होता है, ठीक है। तो वो बहुत 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 ऊंचा स्टेज है, जो जहरीली खप्पर है वहां तक पहुंचने में आज के डेट में अच्छे अच्छे तांत्रिक और अघोरियों का जीवन बीत जाता है, लेकिन स्टाइल में लोग सब रखते हैं तो रखते हैं तो बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा पूजा करने के कपाल पे आते हैं। देखो कपाल का प्रयोग बहुत ही सीमित है, ठीक, और साधनाओं में कपाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको ये लुदकी फुदकी साधना करनी है जिसमें एकाद भूत प्रेत ये हड्डी वड्डी मसानी रखनी है तो रखो, अपना भी नाश करो, परिवार का भी नाश करो, सबका नाश करो, लेकिन जनरली ऐसी जो कपाल होता है उसका बहुत ही लिमिटेड और एक गुरु परिवार में एक ही कपाल चलता है। तो क्या होता है कपाल, कपाल मतलब हुआ खोपड़ी, ठीक है। तो आप देखोगे कि लोग कहीं से भी एक कपाल उखाड़ लाए या कहीं से भी एक कपाल
खरीद लाए और उसकी पूजा करने लगते हैं, तो वो गलत है। कपाल साधना में जब भी कपाल का प्रयोग होता है तो वो किसी साधक का कपाल होगा। तो जो भी साधक होता है उसको जलाया जाता नहीं है, उसको गाड़ा जाता है। तो जब भी कपाल का प्रयोग होगा तो वो बिल्कुल ही गड़े हुए जो साधक हैं उनको निकाल के उनकी खोपड़ी को रखा जाता है, क्योंकि कपाल का काम होता है आपको आगे के लिए गाइड करना, और आपको गाइड वही कर सकता है जो कि पहले से साधक हो। अघोरियों को ऐसे भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष जैसा तो हमारे में कंसेप्ट है नहीं, तो वो आपको गाइड करता है गुरु बन के। दूसरा, कपाल अगर आपके पास है, मतलब आपको किसी साधक का कपाल मिल गया, तो कपाल हमेशा गुरु पद्धति से ही मिलेगा, आप खुद जाके कबाड़ नहीं सकते। गुरु आज्ञा के बिना अगर आपने कपाल रखा है तो आपके नाश का कारण बनेगा। तो जो कपाल होता है उसको सबसे पहले जागृत करके और उसको एक स्थान दिया जाता है, एक छोटा सा मंदिर बनाइए या कुछ भी बनाइए, या फिर आपके आसन के सामने रखिए पंच कपाल सत कपाल, और उसके बाद उसको जमीन दोष करते हैं, ठीक है, और उसकी पिंडी बना के रखते हैं। आपने देखा होगा कि बनारस हरिद्वार में एकदम सामने में कपाल रख करके एकदम पूरा नाटक चलता है। तो चाहे तो वो छोटा मोटा तांत्रिक है, और अगर वो खुद को अघोरी बताता तो वो झूठा है, क्योंकि जो अघोरी होंगे ना वो कपाल की काफ़ी इज्जत करते हैं भगवान की तरह, तो उनको देवस्थान दे करके रखते हैं और देवस्थान में ही उसको रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कपाल कभी भी ऐसे जो बाजार में मिलता है कपाल, या कोई आपको बताए कि ऐसे कपाल उखाड़ के लाओ मैं तुमको सिद्ध करके दे देता हूँ, तो इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। साधक का कपाल ही सिर्फ साधनाओं में काम आता है। दूसरा, कपाल कभी भी शो ऑफ नहीं करते। मतलब देखा आपने कि जो सीरियस लोग हैं और उनको अगर आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है तो वो जब बंदूक लेकर के चलते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके पास बंदूक है, ठीक है। और अगर किसी को पिस्टल, किसी को आप देखो कि कैसे फ्लैश कर रहा है अपना पिस्टल बाहर निकाल के रखा हुआ पिस्टल, तो आप समझ जाते हो अच्छा ये फेंक रहा है, ये दिखाना चाहता है कि इसके पास पिस्टल है। साधनाओं में कपाल के साथ वैसे ही है। कपाल आपका पिस्टल होता है, उसको जितना छुपा के रखोगे वो उतना ताकतवर होता है और उतना ही काम, जब आपको काम पड़ेगा तो वो काम देगा। तो मेरे ख्याल से खप्पर और कपाल के बारे में अब आप लोग जान गए हैं। हड़बड़ाइएगा मत, नहीं यूज़ कीजिएगा जब तक गुरु नहीं देंगे। और कपाल, मतलब मनुष्य के कपाल पे जो शराब वराब पीने का स्टाइल है, इस सबसे दूर रहिए। इसमें बहुत 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 दिन लगता है। मैं 116 साल के साधक से मिला हूँ जो कि बहुत नामी है, और उनको अभी तक जहरीली खप्पर में शराब पीने का आदेश नहीं है। तो हम आप तो कहीं अभी खड़े भी नहीं होते। खोपड़ी हमेशा गुरु परिवार की और साधकों की। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जिसको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है वो मेरा किताब हैंडबुक ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद के पढ़े, उसमें आपको पता चलेगा कि भूतों से आप बात कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप सर्च करिएगा रुद्रनाथ, तो आपको मुझसे डायरेक्ट बात होगी। ये पेड कॉल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9431188585। बहुत ज़रूरी हो तो कॉल करिए। आप सभी को आदेश आदेश। महाकाल आप लोगों पे कृपा करें। आदेश आदेश।